गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षा, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था, पहला यूनिट चल रहा था पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक है, जिसमें हमने पाठ्यक्रम का सारा पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। हमारा मेन टॉपिक पाठ्यपुस्तकों पर चल रहा था, जिसमें हमने उपयोगिता का सिद्धांत, चयन के सिद्धांत, उसकी फिर प्रक्रिया कैसे चयनात्मक प्रणाली अपनानी, गुण कौन कौन से होते थे, एक पाठ्यपुस्तक किस तरह कार्य करती है, उसका बाहरी ढांचा या बाहरी आवरण हमने देखा कि लेखक का क्या रोल रहता है, उसमें मुद्रण संख्या, उसका लेखक की प्रस्तावना और लेखक का सभी पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी डिटेल पाठ्यपुस्तक में दी जाती है उसमें एक लेखक का कितना रोल रहता है, पाठ्यवस्तु का कितना रोल रहता है और प्रकरण का कितना रोल रहता है, और जो मूल अवस्था होती है, जो बाहरी उसकी पैटर्न होता है, उसका कितना महत्व रहता है। ये सारी हमने एक मैथमेटिक्स की पाठ्य पुस्तक का एक विवरण रूप से पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था, ठीक है। तो आज हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा पाठ्य पुस्तक के दोष, जो चीज़ें दोषपूर्ण पाठ्य पुस्तक में दोषपूर्ण रहित उसमें प्रस्तावित की जाती है, उसमें उसका चित्रण किया जाता है, उसका हम कौन कौन से उसमें दोष होते हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। जिसमें तो प्रकरण क्या रहेगा, हमारा आज का टॉपिक है रसायन पाठ्यपुस्तक के दोष, गणित शिक्षक के पाठ्यपुस्तक के दोष। तो जिसमें पहला दोष हमारा रहेगा कि स्वचिंतन का अभाव रहेगा, स्वचिंतन का अभाव। अगर मैथमेटिक्स की कोई भी पुस्तक है उसमें अगर स्वचिंतन नहीं है, स्वचिंतन का आशय होता है कि अगर पुस्तक के बारे में हम और अधिक जानने की इच्छा नहीं हो, या फिर जैसे कि कोई टॉपिक समझ लिया हमने तो हमें अगले टॉपिक पे जानने की इच्छा नहीं हो रही है, या उसको समझ में नहीं आ रहा है, या हम चिंतन नहीं कर पा रहे, अपने आप में चिंतन नहीं कर पा रहे कि अच्छा ऐसा फॉर्मूला बनेगा, फिर ऐसा उसमें फॉर्मूला टूटेगा, फॉर्मूला जुड़ेगा, फिर ऐसी आकृति बनेगी, या जैसे ज्योमेट्री में था ऐसे आप वर्ग नहीं बना सकते, ये भी एक स्वचिंतन है। तो अगर पाठ्यपुस्तक इसमें हेल्प नहीं कर रही है, या फिर आप बीजगणित या अंकगणित में ले लीजिए, जैसे सबसे पहले परसेंटेज चालू होता है या समानुपात चालू होता है, परसेंटेज ले लेते हैं, सबसे पहले हम परसेंटेज निकालना सीखते हैं, फिर हम उनको अनुपात से परसेंटेज बनाना सीखते हैं, फिर उन्हीं अनुपातों का लाभ हानि के चैप्टर में उपयोग लेते हैं, ठीक है। फिर लाभ हानि का उपयोग कर लेंगे हम चक्रवर्ती ब्याज के चैप्टरों में यूज लेते हैं। तो ये सारे क्या है, ये स्वचिंतन ही पिछली जितने पूर्व अनुभव थे, किताब में पढ़े हमने, बुक में पढ़े, उनका हमने आगे उपयोग ले लिया, ठीक है। तो वो चिंतन वो होता है स्वचिंतन। अगर ये किसी भी पुस्तक में या किसी भी मैथमेटिक्स की पुस्तक में स्वचिंतन का अभाव है तो इसका मतलब क्या है कि पुस्तक दोषपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विस्तृत एवं गहन अध्ययन का अभाव, किसी भी पाठ्यपुस्तक में अगर विस्तृत एवं गहन अध्ययन का अभाव है, ठीक है, तो वो दोष उसका दोष होगा। विस्तृत और गहन अध्ययन का अभाव कैसे, जैसे किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक को, जैसे ज्योमेट्री का, जैसे हमने घन और घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, अगर विस्तृत रूप से आपने देखा होगा कि पाठ्यपुस्तक में सर्वप्रथम विस्तृत रूप से घन के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है कि घन छह भुजा से गिरी जा सकती है, सभी भुजाएं समान होती है, सभी आमने सामने के फलक इतने होते हैं, कोने इतने होते हैं, ठीक है, कॉर्नर इतने होते हैं, कोण इतने बनते हैं, ये सारा क्या है, एक विस्तृत नॉलेज आपको दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं आएगा क्या आपके कोण कितने बन रहे हैं, कितने एंगल पे है, फलक कितने हैं, ये आपकी विस्तृत नॉलेज के लिए, कि आपको कम से कम एक नॉलेज होना चाहिए कि घना या घन कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो क्या है, विस्तृत नॉलेज, ठीक है। तो विस्तृत और गहन नॉलेज अगर किसी पुस्तक में नहीं दिया गया है या डायरेक्ट शुरू कर दिया, जैसे अगर किसी पुस्तक में घन घनाभ टॉपिक है और वो डायरेक्टली फॉर्मूला ही दे दिया कि घन घनाभ का क्षेत्रफल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, तो ये क्या होता है, ये दोष है, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया है कि घन की आकृति कैसे होती है, घनाभ की आकृति कैसे होती है, तो रटा रटा है ज्ञान है, ठीक है। तो विस्तृत ज्ञान का अभाव हो गया तो वो पुस्तक दोषपूर्ण हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है नवीनतम उपलब्धियों के समावेश की कमी, ठीक है, नवीनतम उपलब्धियों के समावेश। अगर पुस्तक नवीन चीज़ों को धारण नहीं कर पा रही है, आधुनिक चीज़ों को धारण नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन नहीं हो रहे हैं। जैसे आपने कई पुस्तकें देखी होगी, कुछ प्रतियोगी पुस्तकें आती है, कॉम्पिटिशन की पुस्तकें आती है, कुछ सब्जेक्टिव पुस्तकें आती है, कोई मैगजीन हो गया ले लो, अखबार ले लो, हर बार उसके नए मुद्रण निकलते हैं, नए उसकी प्रिंटिंग छपती है। जैसे संस्करण नहीं निकालते, ये हमारा पहला संस्करण है, ये हमारे लिए दो तीन साल बाद दूसरा संस्करण आता है, तीसरा संस्करण, ये क्या है। संस्कृत निकालने का उद्देश्य ये होता है कि जो जो नई चीज़ें ज्ञान प्राप्त हुआ लेखक को बाहरी वातावरण से, या कुछ नई चीज़ें उसमें आई है, जैसे साइंस मैथ्स में तो हमेशा नई नई चीज़ें आती रहती है, तो उसका वो उस पुस्तक में समावेश करता है और एक नया संस्करण निकालता है, ठीक है। तो नवीन चीज़ों को अगर कोई पुस्तक समावेश नहीं करती है, तो या तो उसकी बिक्री बंद हो जाएगी, ठीक है, लोग उसमें पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, ठीक है, और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि नवीन चीज़ों को समावेश नहीं करते। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो हर साल अपना सिलेबस और अपनी बुक में कुछ नवीन चीज़ें ऐड करती रहती है, और कुछ पुरानी अनयूजुअल चीज़ें हैं उनको हटा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पुस्तक का दोषपूर्ण व्यवहार, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि किसी पुस्तक के दोष होते हैं, ठीक है, और भी कई तरह के दोष हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली देखा जाए तो किसी का, जैसे किसी की भाषा संबंधी दोष हो सकता है, ठीक है, उसका बाहरी आवरण संबंधी दोष हो सकता है, बाहर से पुस्तक अच्छी नहीं दिख रही है, या फिर लाइटिंग सही नहीं है, या फिर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, व्याकरण सही नहीं है, तो कई चीज़ें भी आगे भी आप दोष निकाल सकते हैं। पर मुख्य रूप से ये दोष मुख्य रूप से होते हैं कि एक तो अगर सोचते ही नहीं है तो बुक का मतलब क्या है, ठीक है, विस्तृत और घन अध्ययन ही नहीं है, और उपलब्धि का नया उपलब्धि का समावेश नहीं है, तो बुक व्यर्थ है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, बुक के दोष। तो यहाँ पर आपका चैप्टर पहला यूनिट खत्म होता है, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें। अगली क्लासों में या कल की क्लासों में आप एक नया चैप्टर लेंगे जिसमें अधिगम संसाधन के बारे में दिया गया है, तो हम गणित से संबंधित जितने भी अधिगम संसाधन होते हैं उनका हम डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।